हेलो डियर वेलकम टू एकेस केस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इंटीग्रल प्रॉब्लम को तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दिया गया है इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू और एक्स अपान साइन एक्स प्लस क्या दिया कॉस एक्स इंटू क्या दिया है डी एक्स इज नॉट क्लियर इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हम सूत्र जानते हैं डियर क्या होता है इंटीग्रल इंटीग्रल जीरो से क्या होता है ए दिया हो और एफ आप क्या हो एक्स हो इंटू डी एक्स हो तो इस केस में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रल जीरो से लिख सकते हैं ए और इस केसेस में हम लोग फंक्शन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए माइनस क्या लिख सकते हैं एक्स तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन फंक्शन ए माइनस क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स इज नाट क्लियर तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इस सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे हम तो आगे लिखते हैं डियर आई इज इक्वल टू हमने मान लिया लेट जो हमारे पास दिया गया इंटीग्रल फंक्शन है उसको क्या मान लेते हैं आई तो आई बराबर हमारे पास क्या दिया इंटीग्रल जीरो से क्या दिया पाई बाई टू और एक्स अपन क्या दिया साइन एक्स और प्लस क्या दिया कॉस एक्स इन क्या दिया Dx. है डी एक्स क्लियर है आप लोगों को इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं सिमिलरली नेक्स्ट जब आगे बढ़ाएंगे तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं सूत्रानुसार आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो लिख सकते हैं नेक्स्ट आगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से क्या हो जाएगा पाई बाई टू और जहां पर एक्स है डीयर उस केस में हम लोग क्या पुट कर देंगे ए माइनस एक्स तो इस केस में हमारे पास ए का मान क्या है पाई बाई टू और एक्स एक्स है तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पाई बाई टू और माइनस एक्स इज न क्लियर पूरे का अपान हो जाएगा साइन और एक्स को हम लोग क्या पुट करने वाले हैं पाई बाई टू और माइनस एक्स क्लियर है आप लोगों को नेक्स्ट आगे प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस और इसको भी लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स इज नॉट क्लियर इन टू डी एक्स क्लियर है नेक्स्ट आगे इसको अगर बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं डियर आर करके इसको आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू और नेक्स्ट आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स और पूरे का पान क्या बन जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई टू पाई बाई टू का मतलब क्या होता है नाइन्टी डिग्री और इस केस में साइन नब्बे माइनस थियोटा क्या होता है कॉस थीटा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स और प्लस कॉस नब्बे माइनस थ्रीटा हमारे पास क्या uh, हो जाएगा डियर साइन एक्स हो जाएगा इज नॉट क्लियर तो इसको लिखना चाहे कॉस एक्स को तो हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं इज नॉट क्लियर ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकेंड हो गया क्लियर यहाँ तक आप लोगों को अब क्या करते हैं डियर इसको सॉल्व करते करने के लिए हम लोग समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं तो इस केस में क्या करेंगे समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे तो समीकरण एक में हमारे पास क्या दिया है एक्स दिया है और समीकरण दो में क्या है पाई बाई टू माइनस क्या दिया है एक्स दिया है तो इसको ऐड करेंगे डियर हम लोग तो लिख सकते हैं हम लोग क्या एक आई और एक आई क्या हो जाएगा टू आई क्योंकि समीकरण फर्स्ट को आई माना गया समीकरण सेकंड में भी क्या है आई तो आई प्लस आई हमारे पास क्या हो जाएगा टू आई और इज इक्वल टू क्या जाएगा इंटीग्रल जीरो से क्या हो जाएगा पाई बाई टू और इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास देखिए पे क्या लिखा गया? X लिखा गया इसको दिखाए हैं और इंटरगल में क्या लिखा गया Pi by two minus क्या है साइन एक्स है, और प्लस क्या? तो तो क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं डी एक्स आई होप पे तक क्लियर कर लिए होंगे नेक्स्ट आगे।, आगे लिखेंगे डीयर हम लोग तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस केसेस में ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास इंटीग्रल? इंटीग्रल जीरो से क्या बच जाएगा पाई बाई टू इंटीग्रल जीरो से क्या हो जाएगा पाई बाई टू और पाई बाई टू हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो पाई बाई टू को कर लेंगे बाहर बच जाएगा वन अपान क्या बच जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या बन जाएगा कॉस एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स आई होप यहां तक पूरा अच्छे से लो आप लोग क्लियर कर लिए होंगे क्लियर आप लोगों को तो नेक्स्ट आगे क्या करते हैं इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेसिक फार्मूलों को यूज में लाते हैं तो पहला हम सूत्र जानते हैं डियर साइन टू ए का किसका साइन टू ए का तो साइन टू ए बराबर क्या सूत्र होता है टू टू टेन ए टू टेन ए अपन क्या होता है वन प्लस क्या होता e A. है टेन स्क्वायर ए क्लियर है क्लियर आप लोगों को साइन टू ए बराबर क्या होता है टू टेन ए अपन क्या होता है टेन स्क्वायर ए और जबकि हमारे पास क्या होता है टू क्या होता है के पदों में सूत्र वन माइनस टेन स्क्वायर ए और पूरे का अपान क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं क्योंकि दोनों मान को पुट करेंगे तो दोनों कैल्सियम क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा क्लियर आप लोगों को तो इस केस में ये इक्वेशन फर्स्ट ये सूत्र फर्स्ट मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं और इस केसेस में देखिएगा डियर ध्यान से यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन टू ए है तो साइन टू ए है तो क्या बना टू टेन ए अपन वन प्लस क्या आ गया टेन स्क्वायर ए यहाँ पर टू ए था तो यहाँ पर क्या आ गया ए आ गया और यहाँ पर भी टू ए था तो यहाँ पर क्या आ गया ए आ गया क्लियर है और चूंकि हमारे पास सवाल जो है वो किसके टर्म में है यक्स के टर्म में है तो इस केस में तो लिख सकते हैं साइन एक्स साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर लिख सकते हैं टू टेन टू टेन टू ए था तो क्या आ गया ए तो यहां पर एक्स है तो क्या आ जाएगा एक्स बाई क्या जाएगा टू आधा हो जाएगा टू टेन एक्स बाई टू और पूरे का पान क्या बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई क्या आ जाएगा टू आई होप क्लियर कर लिए होंगे आप लोग नेक्स्ट सिमिलरली अगर कॉस एक्स को लिखना चाहेंगे डी एन तो वही सूत्र ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं वन माइनस और टेन स्क्वायर ए के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स बाई टू पूरे का पान क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आई होप ये पूरा फार्मूला आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे आप लोग ठीक है नेक्स्ट आगे जब क्या करेंगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या डियर यहाँ पर टू वाई क्या लिख सकते हैं टू आई और टू आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या, 2y क्या आ जाएगा इंटीग्रल टू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आया है तो ये हो जाएगा पाई बाई टू और इंटीग्रल जीरो से क्या हो गया पाई बाई टू और इस केसेस में वन अपान और लिखना चाहें तो साइन एक्स टू टेन एक्स बाई टू टू टेन एक्स बाई टू अपन क्या लिख सकते हैं वन प्लस क्या जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये किसका फार्मूला हो गया साइन एक्स का जबकि हमारे पास क्या दिया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हमने आप लोगों को सूत्र बताया क्या वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर बाई एक्स बाई टू क्लियर है तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा वन माइनस और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और पूरे का अपन क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आई होप यहां तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग क्लियर है आप लोगों को तो नेक्स्ट आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा टू आई और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू क्लियर है डियर और इंटीग्रल इसका लिमिट कहाँ से कहां तक जाएगा जीरो से पाई बाई टू क्लियर है और ये हो जाएगा वन अपान और चूंकि हम जानते हैं दोनों का एल्सियम क्या है दोनों एल्सियम के आपस में बराबर है तो इस केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको इस सेस में आगे लिखना चाहें डियर तो लिख सकते हैं टू टेन टू टेन एक्स वाई क्या लिख सकते हैं टू और प्लस क्या लिख सकते हैं माइनस क्या लिख सकते हैं टेन स्क्स बाई टू और पूरे का पान लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग वन प्लस क्या है टेन स्क्वायर एक्स बाय टू और वन प्लस टेन स्क्वायर बाई टू क्या है दोनों सेम है तो ये हो जाएगा वन प्लस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स वाई क्या हो जाएगा टू अगेन ऑल्सो वी नो दैट हम जानते हैं कि एक सरसा क्या होता है वन प्लस क्या, क्या होता है टेन स्क्वायर एज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए क्लियर है आप लोगों को वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है स्क्वायर ए होता है क्लियर है तो इस केस में चूंकि फार्मूला क्या चल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम लोग लिखना चाहे तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और सोचिए अगर यहीं ए के बजाय ए के बजाय हम क्या रख दें एक्स रख दें एक्स बाई क्या रख दें टू रख दें तो इस केस में यहाँ पर ए के बजाय हमारे पास क्या जाएगा? Square, आ X क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा टू सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स बाई टू तो आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर लिखते हैं तो ये हमारे पास दो गुणा में किसमें टूट जाएगा भाग में तो ये हो जाएगा पाई अपन क्या हो जाएगा फोर और इंटीग्रल जीरो से क्या हो जाएगा पाई बाई टू और इस केस में डियर हम इतने को लिखना चाहेंगे वन प्लस एक्स बाई टू को सेक एक्स बाई टू माइनस सॉरी प्लस वन और माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स क्लियर आप लोगों को ये था हमारे पास फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया सवाल को आगे प्रोसीड किया क्लियर है डियर नेक्स्ट आगे क्या करते हैं इसको बढ़ाते हैं तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग तो इस केस में क्या करते हैं डियर हम लोग टेन एक्स बाई टू को टेन एक्स बाई टू को क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं टेन एक्स बाय टू को क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जब इसका आकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स वाई क्या हो जाएगा टू और पुनः एक्स बाय टू का एक बार और आकलन करेंगे तो ये आ जाएगा वन बाई टू वन बाई टू इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी क्लियर है नेक्स्ट आगे इसको बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं एक्स बाय टू और इंटू डी एक्स और ये दो गुणा में किसमें भाग में किसमें टूट जाएगा गुणा में सकते सकते हैं हैं डियर लिख क्लियर है और चूंकि हमारे पास जो लिमिट है के के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में में हमारे पास का मान है? जीरो है और क्या है पाई बाई टू है तो इस केस में लिमिट को भी हम क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं तो लिमिट को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या है टी है और इस केस में अगर सोचिए एक लिमिट यानी पहला लिमिट जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन और जीरो बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा टी यानी पहला लिमिट लोअर लिमिट हमारे पास क्या बन गया जीरो बन गया आई होप ये क्लियर हो गया होगा सिमिलरली सिमिलरली लिखना चाहें तो डीयर लिख सकते हैं अगला लिमिट चेंज करने के लिए टेन एक्स बाई क्या लिख सकते हैं टू बराबर क्या मानेंगे हम लोग टी माने हैं और इस केस में एक्स का मान क्या पुट कर देंगे पाई बाई टू तो ये हो जाएगा टेन और इसका मान पाई बाई टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई फोर एंड टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास टेन पाई बाई फोर और चूँकि जानते हैं पाई बाई फोर का मतलब क्या होता है पैंतालीस अट्ठा पैंतालीस का मान क्या होता है यानी इस केसेस में हमारे पास जो लिमिट चेंज होगा जीरो से कहाँ तक जाएगा वन तक जाएगा क्लियर है और इतने सिस्टम को लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं डियर टू डी यानी इतने सिस्टम को लिखना चाहेंगे इतने सिस्टम को लिखना चाहेंगे तो पूरे को क्या लिख सकते हैं टू डी क्लियर है तो सवाल को आगे प्रोसीड करते हैं डियर तो इस केसेस में प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास क्या दिया है आई बराबर आई बराबर आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग आई बराबर लिखना चाहें डी तो लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू था सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी को क्या लिख सकते हैं टू डी टी तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाय फोर और इंटीग्रल ये जीरो से कहां तक लिमिट गया एक तक और सेक स्क्वायर एक्स बाय टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग टू डी टी क्या लिख सकते हैं टू डी टी या पूरे का पान <coughs> पूरे का पान चूंकि हम टेन एक्स बाय टू को क्या मान चुके हैं टी मान चुके हैं तो इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू और टेन एक्स बाई टी को एक्स बाई टू को क्या माने टी तो ये हो जाएगा टू टी क्या हो जाएगा डियर टू टी और प्लस क्या जाएगा वन प्लस क्या आ जाएगा वन हो जाएगा और माइनस हमारे पास अगला स्टेटमेंट में क्या दिया डियर टेन स्क्वायर क्या एक्स बाय टू तो टेन एक्स बाई टू को हम क्या माने टी तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर आई होप ये पूरा डायग्राम आप लोग यहाँ तक ये हो जाएगा टी का स्क्वायर हो गया क्लियर है अब इस इंटीग्रल को आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं हम लोग हमारे पास क्या जाएगा पाई गया और टू 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 इस को बाहर कर लेंगे तो ये जगह इंटीग्रल जीरो से क्या हो गया वन हो गया और डी टी अपन क्या लिख सकते हैं लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे क्या बनाएंगे डी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग क्या बोलते हैं डियर पूर्ण वर्ग बोलते हैं तो इस केसेस में हमारे पास क्या करते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अभी बनाते हैं पहले इसको क्या करते हैं एक बार लिख लेते हैं तो ये लिख सकते हैं वन माइनस क्या लिख सकते हैं टी का स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हैं टू टी क्या लिख सकते हैं डियर टू टी और टू से टू कैंसिल टू से फोर कैंसिल आ गया टू टाइम्स में तो आई बराबर क्या बन गया पाई बाई टू और इंटीग्रल जीरो से क्या बन गया वन और डी टी अपन वन माइनस क्या हो गया टी का स्क्वायर प्लस क्या बन गया टू टी बन गया क्लियर है अब इस केस में क्या करते हैं डियर वन माइनस टी स्क्वायर प्लस क्या करते हैं टू टी को पूर्ण वर्ग बनाते हैं क्या बनाते हैं पूर्ण वर्ग जैसा कि हमने यहां पर लिखा है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप लोग तो जानते हैं कि सूत्र में ए स्क्वायर प्लस क्या बनता है बी स्क्वायर प्लस क्या बनता है टू ए बी आप लोग जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है ये टू ए बी प्लस का अथवा किसका होता है माइनस का होता है तो इस केस में हम क्या करेंगे पूरे इस सिस्टम में से माइनस को कॉमन कर देंगे माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर और जो प्लस था वो किसका आ जाएगा माइनस का तो टी स्क्वायर माइनस वन माइनस क्या आएगा टू टी हो जाएगा क्लियर है और नेक्स्ट इसको पूर्ण पूर्णवरा आगे बनाएंगे डियर तो लिख सकते हैं माइनस और इस केसेस में हमारे पास ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और ये इसको लिख लेते हैं माइनस टू टी क्या लिख लेते हैं माइनस का टू टी टी स्क्वायर और माइनस टू ए बी और प्लस क्या लिख सकते हैं बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर करेंगे तो मान में कोई बदलाव नहीं होगा और ये वन का वर्ग हमने जोड़ दिया और वन का वर्ग क्या कर लेंगे घटा लेंगे और ये हो जाएगा माइनस वन अं तक समझे होंगे आप लोग हमने क्या करा डीयर टी स्क्वायर को टी स्क्र कर दिया टू ए बी का टम इसको मान लिया और चूंकि हम जानते हैं अगर एक का वर्ग जोड़ दें और एक का वर्ग घटा दें तो ये पूरा हमारे पास क्या बन बन जाएगा जाएगा सूत्र तो इस केसेस में लिखना चाहे तो माइनस और टी स्क्स टू टी प्लस वन के को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टी माइनस वन का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एक का वर्ग एक 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 क्या हो जाएगा माइनस का दो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये टू माइनस है किसका हो जाएगा प्लस का टू और ये जो प्लस है किसका हो जाएगा माइनस का टू माइनस फिर कोष्टक में क्या लिख सकते हैं टी माइनस वन का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर क्लियर है और इस केस में हम सूत्र बनाने के लिए इस पर कड़ी चढ़ा के क्या लगा सकते हैं स्क्वायर लगा सकते हैं आई होप ये पूरा पूर्ण वर्ग आप लोग अच्छे से क्लियर किए होंगे क्लियर है डियर तो इस केसेस में आगे इसको बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज आई इज क्या हो जाएगा टू और इंटीग्रल जीरो से क्या हो गया एक तक और डी डी टी अभी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए इसका क्या बनाए हैं अंडर रूट में टू माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर अंडर टू का होल स्क्वायर और टी माइनस वन का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर आई होप यहां तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर इस सवाल को तो लिख सकते हैं सूत्रानुसार सूत्र हम जानते हैं सूत्र क्या होता है डियर इंटीग्रल जीरो से क्या हो जीरो से क्या हो इंटीग्रल बस सूत्र तो तो को देखते हैं इंटीग्रल क्या हो डी इंटीग्रल वन अपन क्या हो ए का स्क्वायर और माइनस क्या हो एक स्क्वायर इंटू क्या हो डी हो तो इतने स्टेटमेंट को इसने फार्मूले को आगे जब फार्मूलेट करेंगे तो लिख सकते हैं क्या हम लोग वन अपन क्या लिख सकते हैं टू ए इंटू इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग लॉग इंटू क्या लिख सकते हैं लॉग ए प्लस क्या लिख सकते हैं एक और अपन ए माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल वन अपन ए स्क्वायर माइनस इंटू डी एक्स को लिख सकते होगा हम लोग लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे डी तो लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा पाई बाई टू क्लियर है पाई बाई क्या हो जाएगा टू और इस केस में सूत्रानुसार करेंगे तो पाई बाई टू और सूत्रानुसार क्या होता है इंटीग्रल वन बाई ए स्क्वायर माइनस एक्सर इंटू डी लिख सकते हैं है, तो इसके अनुसार हो जाएगा और और का मान क्या है में और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं लॉग और इस केसेस में हमारे पास मेन बन जाएगा अंडर रूट में टू और प्लस क्या आ जाएगा टी माइनस वन और पूरे का अपान अंडर रूट में क्या आ जाएगा टू और माइनस क्या लिख सकते हैं टी और माइनस क्या लिख सकते हैं वन क्लियर है आप लोगों को इस केस में इसका लिमिट कहा से कहा तक बनेगा जीरो से वन तक बनेगा क्लियर है और नेक्स्ट आई बराबर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज कि पाई अपान क्या जाएगा डियर फोर टू टू, जा क्या टू, टू जा फोर, फोर अंडर रूट में क्या आ जाएगा टू और लॉग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग इसको ओपन करेंगे एक बार वन को रखेंगे एक बार जीरो को रखेंगे तो लिख सकते हैं अंडर रूट में टू प्लस क्या लिख सकते हैं वन पूरे का अपान क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में टू माइनस क्या लिख सकते हैं ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया आई होप ये पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो भी आप लोगों को समझा गया डियर अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो फाइनली डियर ये कहना चाहेंगे आप लोगों से अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें